बात मार्च महीने के आसपास की होगी। एक दिन अचानक कलराज मिश्र के एक ट्वीट ने सबको हैरान कर दिया। कलराज मिश्रा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि 2019 में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस ट्वीट के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही जूताकांड से चर्चा में आए संत कबीर नगर के सांसद शरद त्रिपाठी का टिकट काटकर उनके पिता रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया से दे दिया गया। रमापति राम त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाने को लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी ने देवरिया के जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। बीजेपी के इस कदम को लेकर स्थानीय लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक पक्ष का मानना है कि कलराज मिश्रा के बाद दोबारा बाहरी प्रत्याशी को उतारना देवरिया का दुर्भाग्य है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि बाहर से उम्मीदवार लाकर बीजेपी ने स्थानीय खेमेबाजी को रोकने का काम किया है। रमापति राम बीजेपी के पुराने नेता हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं। हालांकि महागठबंधन में ये सीट बीएसपी के खाते में आई है। बीएसपी ने सीट पर विनोद कुमार जायसवाल को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने नियाज अहमद खान पर एक बार फिर से उम्मीदें लगाई हैं। आपको बता दें कि रमापति राम राज्य बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं। त्रिपाठी पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। उनके पुत्र शरद त्रिपाठी 2014 में संत कबीर नगर से सांसद चुने गए थे, लेकिन हाल ही में बीजेपी के एक विधायक के साथ मारपीट के मामले को लेकर शरद त्रिपाठी को अपना टिकट गंवाना पड़ा था। अब उनकी सीट पर बीजेपी ने प्रवीण निषाद को खड़ा किया है।